दोस्तों आज मैं एक ऐसी जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मालूम भी नहीं, और उसकी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो आज मैं उन महिलाओं की समस्या के विषय में आपको बताऊंगी जिनकी शादी तो हो जाती है लेकिन काफी समय तक उन्हें बच्चे नहीं होते। आज मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से प्रेग्नेंट हो सकती है। तो आज मैं आपको 5 टिप्स बताने वाली हूँ जिससे कि आप जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो जाएंगी और आपको भी मिलेगा मातृत्व का सुख। तो इसी जानकारी के साथ आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। नंबर 1, यदि आपकी शादी हुए काफी समय हो गया है और आपकी गोद में कोई बच्चा नहीं है और आप चाहते हैं कि आपका बेबी हो, नहीं हो रहा है, तो आप अपना और अपने पति का चेकअप कराएं ताकि आप दोनों को पता चल जाए कि आप बच्चा पैदा करने के योग्य हैं या नहीं। जो आपकी वाइफ है उनके अंदर अंडे बन रहे हैं या नहीं, और आपके अंदर जो शुक्राणु है वो कितने एक्टिव है कितने एक्टिव नहीं है, इस बात का पता करना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि आपके अंदर और आपकी पत्नी के अंदर वो सारी चीजें होती हैं जो बच्चा बनाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन वो जो चीजें हैं आपके अंदर के शुक्राणु और आपकी वाइफ के अंदर के अंडे, ये सुप्ता अवस्था में होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आपको बेबी जल्दी नहीं होता। आपके शुक्राणु जितने ज्यादा एक्टिव होंगे आपकी वाइफ को उतना ज्यादा बच्चा होने के चांसेस होते हैं। नंबर 2, आपके अंदर शुक्राणु सही है, एक्टिव है, और आपकी वाइफ को अंडे सही तरह से बन रहे हैं, इस बात की आप डॉक्टर के यहाँ जाकर जांच करवाएंगे। डॉक्टर के द्वारा ही आपको पता लग सकता है, आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है आपके अंदर क्या है। किसी भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के यहाँ जाइए और अपना और अपनी पत्नी का चेकअप करिए और डॉक्टर इसकी जाँच करेंगे, और आपके शरीर में यदि आपकी शुक्राणु सुप्ता अवस्था में है तो डॉक्टर आपको दवाइयां देंगे जिससे आपके शुक्राणु एक्टिव हो जाएंगे और वो वर्क करना शुरू कर देंगे, और उसके बाद आपकी इस समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। नंबर 3, यदि आपके और आपकी पत्नी के बीच अच्छे संबंध है, दूरियां कम है, तो भी आपके पास बेबी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यदि आपके और आपकी पत्नी के बीच में दूरियां हैं घर वालों को लेकर और अन्य किसी को लेकर, तो यहाँ पर भी बच्चा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए जितना हो सके पहले आप अपना और अपनी पत्नी का रिश्ता अच्छा करिए और आपस में दूरियां कम करिए। नंबर 4, जब लड़कियों की शादी होती है तब वो पहली बार माँ बन रही होती हैं, तो जब पहली बार माँ बन रही होती हैं तो वहां पर एक रुकावट और आती है बच्चा ना होने के लिए, कि उन लड़कियों का उनकी बच्चेदानी छोटी होती है और कई बार उनकी बच्चेदानी का मुंह भी नहीं खुला होता है। ये एक बहुत बड़ी वजह होती है जो महिलाओं को पता ही नहीं होती है, क्योंकि ये मेडिकल की बातें हैं और मेडिकल की बातें हम नॉर्मल इंसानों को समझ नहीं आती है। तो मेडिकल के हिसाब से बस यही है कि बच्चेदानी का छोटा मुंह होना या फिर बंद होना, ये भी महिलाओं की बहुत बड़ी समस्या है देर में बच्चा होने की। जब आप हॉस्पिटल जाएंगी तो वहां पर आपके शुक्राणु और आपके अंडे, और जब आप वहां जाएंगी तो आपके डॉक्टर आपकी ये सारी जांचें करेंगे, और उसके बाद सारी जांचें हो जाएंगी और जो भी दिक्कत परेशानियां होंगी आपके प्रेग्नेंट होने में वो परेशानियां वो दूर कर देंगे, फिर आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। नंबर 5, यदि आपको काफी समय बाद प्रेगनेंसी रुकी है तो आपको ये सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, जैसे आपको बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए और बहुत ज्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए, और पति के साथ जितना हो सके कम संबंध बनाना चाहिए। यदि आपको कड़ी टॉयलेट आती है तो भी आपको दिक्कत हो सकती है, और जब भी आप कोई दवाइयां ले रही हैं तो आप अपने डॉक्टर से बिना पूछे कोई दवाइयां ना लें, क्योंकि आप यदि कोई भी दवाई बाहर से ले रही हैं, कुछ भी गलत कर रही हैं, तो उसकी वजह से आपका मिसकैरेज भी हो सकता है, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी काफी दिनों के बाद आई है। आप जितना आराम कर सकती हैं उतना आप आराम करिए, जितना ज्यादा आप आराम करेंगी उतना ही ज्यादा आपको फायदा रहेगा, और ये काम आपको कम से कम 4 महीने करने हैं आराम वाले, क्योंकि 4 महीने के बाद बेबी थोड़ा बड़ा हो जाता है पेट में और फिर मिसकैरेज होने के चांसेस कम होते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।
ऐसे ही माँ और बच्चे की हेल्थ से भरपूर वीडियो में नेक्स्ट संडे।